बच्चों, मैं हूं हरी सर और एक बार फिर मैं आप सभी बच्चों का चलो कदम बढ़ाई चैनल पर स्वागत करता हूं। आइए बच्चों, चलते हम अगले क्वेश्चन पर, मेंटल मैथ्स क्वेश्चन बैंक क्लास 8। बच्चों, जैसे कि मैं हमेशा आपको बताता आया हूं कि मैंने मेंटल मैथ्स की जो वीडियो हैं वो मैंने कई कई क्वेश्चन की एक वीडियो बनाने का मैंने डिसाइड किया था, लेकिन बच्चों इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि मैं हर क्वेश्चन की वीडियो अलग बना रहा हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि जो इक्वेशन के क्वेश्चन होते हैं थोड़े लेंथी होते हैं। अगर मैं 3 या 5 क्वेश्चन ले लेता हूं तो काफ़ी लेंथी वीडियो बन जाती है, और उसमें कुछ बच्चों के कमेंट्स आते हैं, सर इतनी लेंथी वीडियो मत बनाइए, छोटी बनाइए ताकि हम एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ सके। ठीक है, लेंथी वीडियो में क्या होता है कि कई क्वेश्चन होते हैं तो हर क्वेश्चन पर उनको ध्यान रख पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो आइए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए क्वेश्चन आज हम करने वाले 11, यहाँ पर ये वाला देखिए, द सम ऑफ टू नंबर इज 15। ठीक है, टू नंबर का सम अगर टू नंबर को हम प्लस करते तो 15 आता है, एंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वेयर इज 15, और उनके स्क्वेयर का डिफरेंस भी क्या है 15 है। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द नंबर्स, और उस नंबर का जो भी नंबर आएंगे उनका डिफरेंस क्या है ये हमें फाइंड आउट करना है। देखिए बिल्कुल है तो इजी, लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूज करने वाला है। द सम ऑफ टू नंबर इज 15 एंड डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वेयर इज 15। ठीक है, उनके स्क्वेयर का डिफरेंस भी इसमें गिवन है, लेकिन हमें जो फाइंड आउट करना है वो नंबर का डिफरेंस लिखा, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द नंबर्स, वो जो नंबर्स आएंगे उनका डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना होगा। ठीक है बच्चों, आइए करना शुरू करते हैं। देखिए यहां पर मैं इसको रख लेता हूं, तो सॉल्यूशन आज हम करेंगे 11। ठीक है बच्चों, अब इसमें टू नंबर का सम है, तो हम इसमें फर्स्ट नंबर x मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट द फर्स्ट नंबर, इक्वल टू एक्स, लेट द सेकेंड नंबर, तो 15 है तो 15 में से फर्स्ट नंबर को माइनस कर दीजिए, सेकेंड नंबर आ जाता है। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए मान ली यहाँ पर कोई नंबर है, ये भी कोई नंबर है, इन दोनों को प्लस करते हैं तो आता है 15। अगर हमें ये नंबर मालूम हो जाए, मान लीजिए 7 है, तो ये नंबर कितना आएगा, ये 8 आएगा। कैसे आएगा, इस सम में से इस फर्स्ट नंबर को माइनस कर दीजिए तो सेकंड नंबर आ जाएगा। मैंने वही किया है, जो सम है ना उसमें से फर्स्ट नंबर को माइनस कर दिया है। ठीक है बच्चों, अच्छा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, अब इसमें लिखा है क्वेश्चन के अंदर कि इनकी स्क्वेयर का जो डिफरेंस है ना वो 15 है। ठीक है, आप देखिए फर्स्ट नंबर का स्क्वेयर, डिफरेंस के लिए डिफरेंस का साइन मीन्स माइनस का साइन, और सेकंड नंबर को हम ब्रैकेट में रख लेते हैं यहाँ पर इसका, ठीक है सेकंड नंबर का स्क्वेयर, तो इनका डिफरेंस कितना आता है 15 आता है। इस तरीके से आइए करते हैं आगे, एक्स स्क्वेयर माइनस इसको ब्रैकेट में रखेंगे, 15 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 225 आएगा। ठीक है, यहाँ पर a माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला अप्लाई करना है बच्चों, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ a माइनस बी स्क्वेयर। ठीक है बच्चों, तो क्या होगा, ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर, ये वाला, तो ए स्क्वेयर तो हो गया माइनस 2a, a क्या है 15 और b क्या है x, और प्लस बी स्क्वेयर, ठीक है ये वाला, और इक्वल 15 लिखा हुआ है, ये लिख देते हैं। ठीक है, आइए एक्स स्क्वेयर माइनस यहाँ पर 225 और मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 को 2 से करिए 30 को x से 30x और प्लस एक्स स्क्वेयर इक्वल 15। ठीक है, अब आप यहाँ सोचेंगे 225 कैसे लेगा, 15 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया बच्चों, 15 × 15, आइए ब्रैकेट खोल देते हैं। अब देखिए बच्चों, ब्रैकेट के अंदर ये प्लस का नंबर है, और ब्रैकेट खुलने के बाद ये माइनस का साइन आ जाएगा इसके सामने, मीन्स फर्स्ट नंबर का साइन चेंज होता है तो ब्रैकेट के जितने भी साइन होते हैं ना वो चेंज कर देने हैं, माइनस का प्लस में बना दीजिए और ये प्लस का तो ये माइनस में बना दीजिए ऐसे। ठीक है, अब देखिए ये माइनस एक्स स्क्वेयर ये प्लस एक्स स्क्वेयर ये तो कट गए। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर बचा 30x, ठीक है इक्वल 15, और ये देखिए अब इस डिजिट को ना हम इधर ले आएंगे, इधर मूव करा देंगे राइट हैंड साइड की तरफ, तो इधर माइनस का 225 इधर आकर ये प्लस का हो जाएगा, ये देखिए एक्स, एक्स की वैल्यू निकाल लिए, अब 225 में 15 ऐड कीजिए 240 आता है, और 30 इधर मल्टीप्लाई की फॉर्म में, इधर आकर ये डिवाइड की फॉर्म में आ गया, 0 से 0 और 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, तो एक्स की वैल्यू आ गई 8। ठीक है बच्चों,
यहाँ पर एक्स की वैल्यू आ गई है 8। अब हमें ये फर्स्ट नंबर तो हमारा आ गया, लिख देता हूं मैं फर्स्ट नंबर इक्वल टू 8, ठीक है। सेकंड नंबर क्या होगा, 15 माइनस एक्स। देखिए यहां पर 15 माइनस एक्स है, तो 15 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू आई है 8, तो इसमें से 8 माइनस कर दीजिए 7 आ जाएगा। अब इसमें पूछा है कि इनके नंबर का डिफरेंस, ठीक है। ये देखिए यहां पर मैं आपको एक बार फिर दिखाना चाहता हूं कि क्या फाइंड आउट करना था। ये देखिए यहां पर व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द नंबर्स, कि इसके जो नंबर्स आए ना इनका डिफरेंस क्या होगा, ठीक है बच्चों। यहां पर ये देखिए तो इनका नंबर का डिफरेंस क्या होगा, मैं लिख देता हूं द डिफरेंस ऑफ नंबर्स ठीक है। अब 8 माइनस 7 इक्वल टू 1, तो इनका डिफरेंस क्या होगा 1, तो ये आपका आंसर आ गया। तो बच्चों ये था एक छोटा सा क्वेश्चन, आपको कैसे लगा मुझे कमेंट्स में जरूर लिखें और इसमें से सीख कर आप दूसरे बच्चों को जरूर सिखाएं। चलो कदम बढ़ाएं, देश को शिक्षित बनाएं। मिलते अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।